नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एड्रिनो टेक्निको। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाई थी एक लैपटॉप के ऊपर जिसका नाम था ASUS X507UF, जो ठीक यहाँ पे मेरे पीछे पड़ा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक उस वीडियो की अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक क्विक कंपैरिजन होने वाला है ASUS X507UF और ASUS X510UF के बीच में। दोस्तों ये जो दोनों लैपटॉप है वो सेम प्राइस रेंज के अंदर आते हैं, यानी कि बिलो 50,000। ऑलमोस्ट इनकी प्राइसिंग सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन इनका जो इंटरनल हार्डवेयर है उसमें यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक कैच आता है, जिसके बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एड्रिनो टेक्निको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 19 अक्टूबर 2018 यानी कि करीबन 2 महीने पहले मैंने इस लैपटॉप को परचेस किया था और अभी तक इसको मैं डेली ड्राइवर की तरह के यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इस लैपटॉप के ऊपर डेली मैं 2 से 3 घंटे स्पेंड करता हूँ, चाहे वो हो गया फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग। और फिलहाल के लिए इसका जो रिव्यू है मेरे लिए वो काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आया है। दोस्तों इस लैपटॉप को परचेस करते टाइम मैंने एक और लैपटॉप के ऊपर अपना ध्यान दिया था, जो कि था ASUS X510UF। दोस्तों यहाँ पे हम इनके इंटरनल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ASUS X507UF के अंदर आपको मिलती है 8 GB ऑफ DDR4 RAM, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है एक M2 स्लॉट SSD या फिर इंटेल ऑप्टेन मेमोरी लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ASUS X510UF के अंदर आपको मिल जाता है 4 GB ऑफ RAM प्लस 16 GB ऑफ प्री इंस्टॉल्ड इंटेल ऑप्टेन मेमोरी। यहाँ पे कोई भी आपको M2 स्लॉट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन 4 GB प्लस 16 GB ऑफ इंटेल ऑप्टेन मेमोरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दोनों के अंदर आपको मिल जाता है NVIDIA का GeForce MX130 ग्राफिक्स कार्ड। ये ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिक्स कार्ड है, और अगर आप डेली गेमिंग करते हैं, पबजी वगैरह खेल रहे हैं, अगर हम GTA 5 भी खेलते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये अच्छी तरह से यहाँ पे संभाल लेगा इन सारी गेम्स को। तो दोस्तों आपको इन दोनों लैपटॉप के अंदर सेम ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, यानी कि NVIDIA GeForce MX130 ग्राफिक्स कार्ड। ये ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है बैटरी के लिए, और इनका जो प्रोसेसर है इंटेल कोर i5 8 Gen, उसके साथ ये ग्राफिक्स कार्ड कंपेटिबल है और काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे परफॉर्म करता है। दोस्तों इन दोनों लैपटॉप की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो पहला वाला लैपटॉप मिल रहा है वो मिलता है आपको 46,000 Indian rupees में, यानी कि ASUS X507UF आपको मिलता है 46,000 rupees में। दोस्तों यहाँ पे ASUS X510UF जो आज की डेट की जो उसकी प्राइसिंग निकल के आई है वो है 47,200 rupees। ये जो प्राइसिंग है वो ASUS ऑफिशियल इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये लिस्ट की गई है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लैपटॉप का आपको लिंक दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाती है 1080p फुल HD स्क्रीन विथ एंटी ग्लेयर प्रोटेक्शन। दोस्तों ASUS X510UF के अंदर आपको डिस्प्ले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे 45 निट्स ऑफ ब्राइटनेस ऐसा ASUS ने मेंशन किया है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस लगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर आपको IPS ग्रेडिंग नहीं मिलती, यानी कि दोनों जो स्क्रीन है वो नॉन IPS है, लेकिन यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा कोई ग्लेयर नहीं दिखा, या फिर साइड से देखने में भी मुझे व्यूइंग में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, तो वो एक एक्सेप्टेबल थिंग है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों लैपटॉप सेम नहीं है, उसका एक कैच यहाँ पे ये निकल के आया है कि ASUS X507UF के अंदर आपको मिल रही है 8 GB ऑफ रैम, और ASUS X510UF के अंदर आपको मिल रही है 4 GB ऑफ रैम प्लस 16 GB ऑफ इंटेल ऑप्टेन मेमोरी। दोस्तों आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले मैं गया था डेल, HP, ASUS, जितने भी सारे ब्रांड्स थे सबके शोरूम पे मैं गया था। वहाँ पे उन्होंने मुझे अलग अलग लैपटॉप्स बताए बिलो द रेंज ऑफ 60,000। वहाँ पे काफ़ी सारे लैपटॉप ऐसे थे जिसके अंदर हमें इंटेल ऑप्टेन मेमोरी मिल रही थी, और उन्होंने वहाँ पे ऐसा क्लेम किया कि ये लैपटॉप के अंदर जो इंटेल ऑप्टेन मेमोरी है ये रैम के साथ वर्क करेगी एकदम रैम के जैसे, और 40% फास्टर हो जाएंगी। ये लैपटॉप आप खरीदेंगे तो आपका काम एकदम चकाचक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा इंटेल ऑप्टेन मेमोरी के बारे में। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग पढ़ा था एक वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने डेल के एक लैपटॉप के बारे में लिस्टिंग की थी, कि डेल ने ऐसा मेंशन किया था कि उनका जो लैपटॉप है वो आ रहा है 24 GB ऑफ रैम के साथ। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में चीज़ ये थी कि उसके अंदर सिर्फ 8 GB ऑफ रैम थी, प्लस उन्होंने 16 GB ऑफ इंटेल ऑप्टेन मेमोरी यहाँ पे लगाई थी, इसलिए उन्होंने उसे कमेंट करके 24 GB मेंशन किया था। और यहाँ पे डेल की गलती तो है ही,
यहाँ पे इंटेल खुद पहले ये मेंशन करता था कि ऑप्टेन मेमोरी वो रैम नहीं है, लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने खुद की जो वेबसाइट है उससे वो चीज़ निकाल दी कि इंटेल ऑप्टेन मेमोरी जैसे, उन्होंने बस वहाँ पे उसे इंटेल ऑप्टेन एक टाइप की मेमोरी है जो आपकी स्पीड वगैरह बढ़ा देती है, बस उसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट छोटा सा रख दिया और लोग इससे यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंटेल ऑप्टेन मेमोरी एक ऐसे टाइप की मेमोरी है जो ना कि SSD में फॉल करती है ना कि HDD में फॉल करती है, लेकिन यहाँ पे ये आपकी रैम यानी कि जो 6 MB कैचे वाली जो हमारी नॉर्मल रैम रहती है लैपटॉप के अंदर वाली, वो रैम और आपकी जो मैकेनिकल हार्ड डिस्क है उसके साथ ये कंपेटेबल होकर एक एक्सटर्नल मेंबर की तरह यहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट करती है और जो सारा डेटा होता है हार्ड डिस्क का उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है ये रैम के अंदर। दोस्तों ये जो स्पीड होती है ट्रांसफ़र की यहाँ पे ये 28% से 48% के आसपास इंक्रीज हो जाती है और इससे आपका जो वर्क है वो यहाँ पे काफ़ी स्पीडली होता है। मान लीजिए कि आप एडोबे प्रीमियर प्रो वगैरह कोई भी हाई यहाँ पे हो गया एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो यहाँ पे आप चला रहे हैं, आपको वीडियो फाइल्स तुरंत इंपोर्ट करनी है और आपको रेंडरिंग फाइल तुरंत एक्सपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे आप अगर इंटेल ऑप्टेन मेमोरी लगाएंगे तो वो आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगी। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD जो सैमसंग वगैरह की आती है ट्रांसेंड की, जो वो अलग चीज़ है, वो एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इंटेल ऑप्टेन मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है ना कि वो एक रैम है, वो बस आपके लिए एक ब्रिज क्रिएट करती है ताकि आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो वो यहाँ पे काफ़ी फास्ट हो। दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट ये निकल के आता है कि यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर यानी कि ASUS X510UF के अंदर आपको सिर्फ मिल रही है 4 GB ऑफ रैम। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी, आपको भी पता है कि आज की डेट में काफ़ी सारे गेम्स काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो 4 GB ऑफ रैम के साथ कंपेटेबल नहीं होते। मान लीजिए आप GTA 5 ले लीजिए या फिर कोई भी आप हैवी गेम लीजिए, आपको उसके लिए मिनिमम 8 GB ऑफ DDR4 रैम तो चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ASUS ने ये इसके अंदर लैपटॉप के अंदर 4 GB ऑफ रैम प्रोवाइड किया है। दोस्तों फाइनली मेरा डिसीजन ये था कि मैं जाऊँ ASUS X507UF के साथ जो मिल रहा है करीबन 46,000 रुपीज़ के आसपास। दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस वाले लैपटॉप के अंदर आपको मिल रहा है एक M.2 SSD पोर्ट या फिर स्लॉट। दोस्तों फ्यूचर में मान लीजिए कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है हाई वीडियो एडिटिंग के वजह से M.2 SSD खरीदने की या फिर सैमसंग की या फिर ट्रांसेंट की या फिर किसी भी चीज़ की कोई भी SSD अगर मैं खरीदता हूँ तो डायरेक्टली मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ up to 256 GB मैं इसके अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है। उस वाले लैपटॉप के अंदर आपको हार्ड डिस्क मिलती है और इंटेल ऑप्टेन मेमोरी मिलती है। अगर आपको उसके अंदर SSD इंस्टॉल करनी है तो आपको इंटेल ऑप्टेन मेमोरी को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा पोर्ट में से, और उसके बाद आपको उसके अंदर SSD इंक्लूड करनी पड़ेगी। और SSD का प्राइस यहाँ पे चेक किया था मैंने, अलग अलग प्राइसिंग की लिस्ट यहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो SSD का रेंज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट बिलो रेंज उसका 3000 का रहता है। यहाँ पे आप SSD भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे बाय स्पेंडिंग 3000 रुपीस, उसके बाद आपकी जो इंटेल ऑप्टेन मेमोरी है उसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं रहेगा, तो वो लैपटॉप यहाँ पे खरीदना अच्छी बात नहीं बन पाएगी। उसके अलावा वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 4 GB ऑफ रैम भी डालनी पड़ेगी क्योंकि आप 8 GB ऑफ रैम उसको कन्वर्ट करेंगे तभी जाके मोस्ट ऑफ एप्स है या फिर कोई भी एप्लीकेशन है वो उस पर जाके चलेगी। दोस्तों यहाँ पे मेरा ये मानना है, मेरा ये प्रेफरेंस है कि ये वाला लैपटॉप उस वाले लैपटॉप से ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो वाला लैपटॉप खराब है, वो नहीं चलेगा, एकदम बेकार है, उसमें एप्स बहुत स्लो चलेगी, ऐसा नहीं है। वो वाला लैपटॉप काफ़ी फास्ट है, इनफैक्ट ASUS X507UF से भी वो फास्ट है, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए है जो फाइल ट्रांसफर रेट काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चाहते हैं, जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, जिन्हें डेटा ट्रांसफर, जिन्हें फाइल वीडियो मूवीज जो ट्रांसफ़र करनी है दो एप्लीकेशन के बीच में जितनी भी फाइल्स, वो यहाँ पे काफ़ी फास्ट है, जो स्पीडली वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंटेल ऑप्टेन मेमोरी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आती है। लेकिन जो नॉर्मल यूज़र्स हैं मेरे जैसे, आपके जैसे जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, थोड़ी सी गेमिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा फोटोशॉप वगैरह कर लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर रैम ज़्यादा चाहिए ना कि इंटेल ऑप्टेन मेमोरी। दोस्तों यही था मेरी आज की स्टूडियो के लिए। दोस्तों इन सारी वीडियोज़ को बनाने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप छोटा सा एक लाइक दीजिए, नीचे आपसे एक कमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोर इम्पोर्टेंटली उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो, आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।